सुदर्शन गुप्ता, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1, शिवपुरी। एक्सरसाइज 5.7 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के सभी उदाहरण यानी ऑल एग्जांपल्स। आज हम द्वितीय कोटि का अवकलज यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे। इसमें क्या रहता है कि जैसे मान लिया कि कोई फंक्शन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स। अब इस फंक्शन का हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है तो क्या होगा डी वाई वाई डी एक्स, और यदि इस फॉर्म में रहता तो उसको हम एफ डैश एक्स लिख देते हैं, और कभी कभी इसको हम y बन भी लिख देते हैं यानी y इक्वल एफ ऑफ एक्स। तो इसका जो डिफरेंशियल होगा डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का y1 हो जाएगा और एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा। यदि इसका हम अगेन करें यानी अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा d अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है किसका डी वाई अपॉन डी एक्स का, और इसी का भी हमें एफ डैश एक्स का, या हमको y1 का इसका डिफरेंशियल या इसका डिफरेंशियल या इसका डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो dy अपॉन dx का हम डिफरेंशियल करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी y का दो बार डिफरेंशियल दोनों बार x के रिस्पेक्ट में। और जो एफ डैश एक्स होता है उसका हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का डिफरेंशियल एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, और बाय वन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल बाय टू। ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है द्वितीय कोटि का अवकलज। इसी को और कर देंगे तो वो थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा, दोबारा से डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, ऐसे ऐसे हम nth ऑर्डर का डिफरेंशियल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको सिर्फ सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव के बारे में चर्चा करनी है, इसलिए यही सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है। इसी क्रम में 5.7 एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल है 38। उसमें एक फंक्शन दिया है y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 10x, तो हमको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी इसी का हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशियल करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स वो साइड में हम लिख देंगे, इधर भी एक्स क्यू प्लस 10x में भी डी अपॉन डी एक्स लिख देंगे, और बाय में भी डी अपॉन डी एक्स लिख देंगे। तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इसको हम बाय वन भी कहते हैं, एक्स क्यू का बीच में प्लस है तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो एक्स क्यू का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब करना है हमको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो इसका अगेन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड में हम लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स में भी और इस साइड आर एच एस में भी 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और बीच में प्लस है तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 3 था तो वो डायरेक्ट 6x हो जाएगा, क्योंकि जो 2 आगे आएगा 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो 2 3 जा 6, 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, और इसमें इसको हमें x मानना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि sec स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का होता नहीं है sec स्क्वायर का, इसलिए हमें इसको x मानना पड़ेगा, तो इस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x यानी 2 sec x। फिर दोबारा से हमें किसका करना पड़ेगा उस sec x को जिसको हमने
एक्स माना था हमने, इसको एक्स माना था तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, फिर जिसको एक्स माना था उसका हमें फिर से करना है, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 6x प्लस 2 sec x, और sec x का डिफरेंशियल sec x इंटू tan x होता है। इस प्रकार से ये हमारा डिफरेंशिएशन यानी सेकंड डेरिवेटिव प्राप्त हो जाता है 6x प्लस 2, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan x, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है। एक्सरसाइज 5.7 का एग्जांपल 39, यदि y इक्वल a साइन x प्लस b कॉस x हो तो हमको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। तो हमको कह दिया है गिवन यानी दिया है y इक्वल a साइन x प्लस b कॉस x, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही रहेगा, ये एक कांस्टेंट है तो ए रहेगा ऐसे ही, कैसा साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, प्लस इसमें बी कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स। तो ये वाले स्टेप सॉल्व करके कितना हो जाएगा a cos x माइनस b ये वाला sin x, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स और इधर भी d अपॉन डी एक्स ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ए कोस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, फिर माइनस बी साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का ए साइन एक्स माइनस का बी कोस एक्स, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लिया तो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये जो हमें माइनस कॉमन लेने के बाद बचा है इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी थी, यानी ये जो वैल्यू है वो हमारी बाय की है, हमने इसी को बाय माना था, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0, यही हमको प्रूव करना था। जो एग्जांपल 14 इसी एक्सरसाइज का, इसमें दिया है वाई इक्वल 3e2x प्लस 2e3x, तो हमको ये प्रूव करना है। इसको देख के हमें लगता है कि पहले सबसे पहले इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला जाए, तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक तरीका ये है कि हम इससे ये प्रूव कर दें, और एक तरीका है कि इसमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के हम इसमें पुट कर दें, तो वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो अभी हमारा प्रूव हो जाएगा, यानी इसके LHS में हम वैल्यू पुट कर दें और 0 प्राप्त करें तो हम प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव निकालें, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें, तो हमको कह दिया है y इक्वल 3e2x प्लस 2e3x, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy वाई अपॉन डी एक्स और 3 इसका हो जाएगा 2e2x, की पावर x का एक ही पावर x होता है तो हमें इसको x मानना पड़ेगा तभी तो ये एक ही पावर x बन पाएगा, तो यदि हमने इसको x माना तो ये एक ही पावर x का एक ही पावर x हो गया,
फिर जिसको एक्स मानते हैं उसका फिर से करना है, तो टू एक्स को हमने माना था तो टू एक्स का टू हो जाएगा, तो फाइनली ई की पावर टू एक्स का हो जाएगा टू ई की पावर टू एक्स। ऐसे ही इस साइड ई की पावर थ्री एक्स का हो जाएगा थ्री ई की पावर थ्री एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कितना हो जाएगा सिक्स ई की पावर टू एक्स प्लस सिक्स ई की पावर थ्री एक्स। इसको हम क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन करेंगे तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हमने डायरेक्ट कर दिया। ऐसे इसका हो जाएगा टू आ गया जाएगा, क्योंकि ई की पावर टू एक्स का ई की पावर टू एक्स, पर टू एक्स का टू और हो जाएगा, तो जी फाइनली ट्वेल्व ई की पावर टू एक्स हो जाएगा। इसी इसमें ई की पावर थ्री एक्स का ई की पावर थ्री एक्स और थ्री एक्स का थ्री और हो जाएगा, तो थ्री का इसमें प्रोडक्ट होगा, तो ये 18 ई की पावर 3x हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रूफ करना था यानी उसका LHS कौन सा था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सिक्स वाई, ये आपका LHS था। इसमें यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमको दिख रही है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हमें सामने लिखी हुई है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो हो जाएगा 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x माइनस 5, इसमें dy बाई dx की वैल्यू लिखें ये सामने, तो 6 ई की पावर 2x प्लस 6 ई की पावर 3x, तो ये प्लस 6y है तो प्लस 6, इसमें y की वैल्यू हम लिख दें, y की वैल्यू थी 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये तो रहेगा 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x, इसका हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो जो माइनस 5 का अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 यानी 30 e की पावर 2x माइनस ये भी हो जाएगा आपका 30 ई की पावर 3x, और इसमें 6 का करेंगे तो जो हो जाएगा 18 ई की पावर 2x और जी आपका 12 हो जाएगा, 6 टू 12 ई की पावर 3x। तो 12 ई की पावर 2x और 18 ई की पावर 2x ये दोनों प्लस के हैं, तो इसको अपन लिख देंगे तो ये जो दोनों हो जाएंगे ऐड होके 30 e की पावर 2x और जो 12 e की पावर 3x और 18, तो ये भी हो जाएगा आपका 30 e की पावर 3x और माइनस के हम ऐसे लिख दें 30 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 3x, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा जीरो बचाएगा जो कि हमारा RHS था। इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो जाता है। ये एग्जांपल हमारा 14 है, वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स, तो हमको ये प्रूफ करना है। इसमें को इसको भी देखकर हमको लग रहा है कि सबसे पहले हम सेकंड डेरिवेटिव निकालें, इसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे तो जी हमें प्राप्त हो जाएगा, या हम इसको डायरेक्ट प्राप्त करें, दो तरीके रहते हैं। तो पहला काम है कि जो हमको फंक्शन दिया है उसका सबसे पहले हम सेकंड डेरिवेटिव तक निकालें, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव। तो हमको दिया है यानी गिवन y इक्वल साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशियल करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम इस साइड इसको भेज दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर आपका 1 बचेगा, हम इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d अपॉन डी एक्स इधर भी लिखते हैं हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स साइड बी और डी अपॉन डी एक्स इधर वन बी। इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, जो फर्स्ट है और ये अपना सेकंड। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहला हम वैसे के वैसे लिख देते हैं, यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर हमारा वैसे के वैसे होगा, और सेकंड का हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर हम डी वाई अपॉन डी एक्स वैसे के वैसे लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका डिफरेंशियल करना है, तो इसका डिफरेंशियल करने के लिए हमें रूट के अंदर को एक्स मानना पड़ेगा। जे एक्स हो जाएगा तो रूट एक्स का हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स, एक्स यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमें जिसको एक्स मानते हैं उसका फिर से करना पड़ेगा, यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर को हमने माना था, इसका हमें फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि इसको एक्स माना तो रूट एक्स हो गया, रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, फिर जिसको एक्स माना उसका हमें फिर से करना है। इधर वन का आपका जीरो हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वन अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका वन का जीरो हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस का टू एक्स, यानी माइनस का टू एक्स हो गया फाइनल, तो इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसका एलसीएम आएगा रूट के वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एलसीएम आएगा तो ये इसका प्रोडक्ट इधर होगा, जब इसका प्रोडक्ट इधर होगा तो ये रूट हट जाएगा, तो इसमें हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स अपना है ही, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। और जो इसका एलसीएम था अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो एलसीएम है वो एलसीएम हमारा इधर जीरो में चला जाएगा, क्योंकि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जीरो में चला जाएगा, तो क्या बचाएगा जीरो। इस प्रकार से ये हमको प्रूव करना था।